रेप भी कर सकता हूँ अगर आइटम अच्छा हो तो मुझे ये डायलॉग उनका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आई थॉट कि मूवी uh, के लिहाज से तो ठीक था वो गुंडे थे तो वो गुंडो वाली बात ही करेंगे uh, वैसे तो किसी को uh, कत्ल करना किसी के पैसे चुराना अगवा बरए तवान करना अगर आप अः uh, uh, किसी को सिर्फ इसलिए उठा के ले जाना कि आप उनसे पैसे लेके उसको छोड़ेंगे ये बहुत बड़े मेजर क्राइम्स हैं लेकिन uh, इनके साथ भी लिखाना चाहिए कोने कि कि दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू लेकिन इससे उस... भी ज़्यादा अहम है बात जो मैं वो ये ये कहना जब उस बंदे ने कहा अगर आइटम अच्छा हो तो रेप भी कर सकता हूँ तो आजकल जो इंडिया की सिचुएशन चल रही है मेरा ये ख्याल है की कोने में मूवी वालों को लिखना चाहिए था कि रेप करने से सारी दुनिया में मुंह काला हो जाता है या रेप करने से सारी दुनिया में जिल्लत और रसवाई मिलती है समथिंग ऑफ दैट नेचर जिस तरह स्मोकिंग के लिए आ, लिखाया था इसी तरह रेप के लिए भी लिखाना चाहिए था खास तौर पर जिस तरह इंडिया को कैपिटल कहते हैं रेप का लेकिन इससे मुझे एक और बात याद आई कि पाकिस्तान में सलमान तासीर का मर्डर हुआ रिलीजन की वजह से और बहुत सारे लोगों को रिलीजन की वजह से एक दूसरे को जान से मार देते हैं कि हमारे मजहब की बेहरुमती की है ये कह के तो एक तरफ पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा था इस बात पे तो हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं सैयद नूर साहब एन उसी वक्त जब पूरी दुनिया के लोग हैरत से देख रहे थे पाकिस्तान को कि किस तरह के लोग हैं कि एक दूसरे को तोहहीन कह के, के मजहब की तोहिन की है जान से मार देते हैं पूरी दुनिया में तो लोग एक दूसरे के मजहब पे क्रिटिसाइज करते हैं कोई किसी को जान से नहीं मारता तो ये पाकिस्तान कैसा मुल्क है कि जहाँ लोग मजहब पे क्रिटिसाइज करने पे जान से मार देते हैं तो उन्हीं दिनों सैयद नूर साहब ने एक मूवी बना के रिलीज की और मूवी में ये था एक बंदा मार देता है किसी को तोहिन मजहब करने पे और उसको सारा मुल्क हीरो बना लेता है और उसको मूवी में हीरो बना के दिखाया गया था तो दैट्स अ शेम कि एक तरफ तो दुनिया आप पे थू थू कर रही है कि आप में ये खराबी है और दूसरी तरफ आप उसको फिर अपनी मूवीज में प्राउडली दिखा रहे हैं। अगर आप उसको दिखा भी रहे हैं ना प्राउडली लेकिन इस तरह दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह के काम होते हैं तो फिर कोने में जैसे स्मोकिंग के बारे में लिखा है उसके बारे में भी लिखें ताकि लोगों को पता चले कि दैट्स इन जनरली गुड आइडिया कि जैसे बाकी सब चीजों जैसे स्मोकिंग के बारे में लिखा है बाकी लोग चीजों के बारे में लिखे, बारे में लिखे हैं कि दैट्स नॉट गुड थिंग्स टू डू